अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जमजम मोटर्स अपने कस्टमर्स के लिए लाए हैं दिवाली बम्पर ऑफर। अब केवल 5,000 रूपए के डाउन पेमेंट में पाइए सुजुकी एवनेस, टीवीएस जुपिटर, हीरो जूम, बजाज सिटी 100, हीरो एचएफ डीलक्स। साथ ही आपको मिलेगा लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, इजी फाइनेंस, स्पॉट अप्रूवल और स्पॉट डिलीवरी। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट कीजिए एट शॉप नंबर 1 गिरिराज कॉम्प्लेक्स, जैन कॉलोनी, अपोजिट एससी स्टैंड, भिवंडी। दूसरी ब्रांच बाइकर्स पॉइंट, नियर एक्सिस बैंक एटीएम, दरगाह रोड, भिवंडी। भिवंडी मनपा आयुक्त के मनमाने रवैये के खिलाफ जनता का आक्रोश, महानगर पालिका के सैकड़ों कर्मचारियों ने रास्ते पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। मीडिया से बात करते हुए लेबर फ्रंट के अध्यक्ष किरण चन्ने ने कहा कि महानगर पालिका के बजट में 6 करोड़ रुपए का प्रावधान है, इस हिसाब से कर्मचारियों को बोनस के तौर पर 14,200 देना अनिवार्य है। भिवंडी महानगर पालिका के कर्मचारियों और भिवंडी की जनता को न्याय देने और विभिन्न मांगों को लेकर सभी यूनियन ने उप विभागीय कार्यालय में ज्ञापन सौंपा और मांग की कि कर्मचारियों को 14,200 बोनस मिले और भिवंडी की जनता के टैक्स का 285 करोड़ रुपये टोरेंट पावर से लेना था जो माफ कर दिया गया है। टोरेंट कंपनी के माफ किए गए वित्तीय घोटाले की जांच की मांग की है। भिवंडी मनपा कर्मचारी अन्याय निवारण समिति के ओर से बहुत सारे यूनियन जुड़कर इस समिति का गठन हुआ है। इस समिति के द्वारा हमने आज भिवंडी महानगर पालिका कामगार कर्मचारी का आंदोलन किया है। हमारी मांग ये है कि बजट में 6 कोटि की प्रोविजन है सानुग्रह अनुदान देने के लिए। बजट और कामगार की संख्या देखोगे तो 14,200 रुपया ये महानगर पालिका को देना अनिवार्य है। इस बारे में सभी यूनियंस की 1 तारीख को मीटिंग आयुक्त के साथ हुई, जब हमने कहा कि बजटरी प्रोविजन के साथ 14,200 रुपये देना चाहिए और उसी के साथ 1,000 रुपये बढ़ाकर देना चाहिए। तो महानगर पालिका आयुक्त ने कहा कि 2 दिन बाद बैठक करेंगे, लेकिन उसी बीच महानगर पालिका आयुक्त ने लोक प्रतिनिधियों को बुलाकर और चंद जो दलाल यूनियन है उनके जो मर्जी की यूनियन उनको बुलाकर किसी भी तरह का पत्रक न देते हुए चुपके से चर्चा की और 5 मिनट के अंदर 13,500 रुपये सानुग्रह अनुदान कर्मचारी को देने का ऐलान किया, जिसका हम निषेध करते हैं। वो रकम हमको पूरी तरह से मान्य नहीं है, क्योंकि जब बजटरी प्रोविजन 14,200 मिलना चाहिए तो 13,500 क्यों ले, और लेने के बाद भी उन्होंने कहा कि 12,000 रुपये अभी देंगे और 1,500 रुपये दिवाली के बाद देंगे। इसके पहले भी जब तत्कालीन आयुक्त मसे साहब थे उन्होंने भी ऐसे ही कहा था कि दिवाली के बाद सानुग्रह अनुदान 4,500 रुपये देंगे, जो 8 दिन तक कामगारों को नहीं मिला है। तो मुझे लगता है कि पूरे तरह से कामगारों को फंसाने की साजिश है, इसकी हम निंदा करते हैं। दूसरी बात है कि जब 32 करोड़ रुपए का वसूली कामगार कर्मचारियों ने किया तो उनको 6 करोड़ उनके जो हाथ का है बजटरी प्रोविजन उनका सानुग्रह अनुदान तौर पे देना चाहिए, वो भी नहीं दिया गया। दूसरी बात, 285 करोड़ रुपया जो टोरेंट कंपनी, जो अत्याचारी कंपनी है जिसके बारे में जनता में असंतोष है, उनका 285 करोड़ माफ किया गया, वो वसूल करना चाहिए और जनता के हित में उसका उपयोग करना चाहिए। तो ये सारी जो मांगे है इन मांगों को लेकर आज का आंदोलन हुआ है। हम आपके माध्यम से आयुक्त से कहना चाहते हैं, प्रांताधिकारी को हमने निवेदन दिया, उनको कहना चाहते हैं कि 2 दिन में सानुग्रह अनुदान की जो रकम है वो हमको मान्य नहीं है, 15,200 रुपया ही मिलनी चाहिए, बजटरी प्रोविजन के हिसाब से मिलनी चाहिए। इसलिए 2 दिन में वो यह मीटिंग लगाए और उसका सोल्यूशन निकाले, नहीं तो दिवाली के बीच में यूनियंस की तरफ से आंदोलन छेड़ा जाएगा। लॉ एंड ऑर्डर का जो भी प्रॉब्लम क्रिएट होगा उसका रिस्पॉन्सिबल कमिश्नर रहेंगे जो महानगर पालिका के है,
ये चेतावनी देने के लिए आज का यह आंदोलन है। अभी आपके साथ में कितनी यूनियन है? हमारे साथ सभी यूनियन है और हम आपके माध्यम से और एक विनती करना चाहते हैं कि थाने जिला के मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब है, सब महानगर पालिका में अगर अच्छा सामग्री अनुदान उनके मुख्यमंत्री रहते हुए मिल रहा है तो भिवंडी कामगार कर्मचारी पर अन्याय क्यों और सबसे कम सानुग्रह अनुदान क्यों, तो इसकी पूरी तरह से चौकशी होनी चाहिए और उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी को भी हस्तक्षेप करना चाहिए, ऐसी हमारी मांग है।